सो so, what's up everyone? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ SS Online ऑनलाइन Trading. ट्रेडिंग यू आर me मी अंश आर हिरन और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और हॉट टॉपिक के बारे में जो कि है ETFs टी mutual funds. म्यूचुअल सो ई यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो कि सही है ये दोनों आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ़ इन्वेस्टिंग बन गए हैं तो आज चलिए डिस्कस करते हैं इन्हीं की कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में इनके डिफरेंसेस के बारे में और आपके लिए कौन सा मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एक बेटर चॉइस रहेगी इन सब चीज़ों के बारे में तो जहां बात आती है सिमिलैरिटीज की तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड के बीच में वो है उन दोनों के स्ट्रक्चर्स वेल well, दोनों ही एक तरह के पूल्ड इन्वेस्टमेंट है या एक तरह के फंड्स हैं जहां लोग अपना अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और फिर ये फंड्स उन पैसों को अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी सिमिलरिटी आ जाती है एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज वेल ई और म्यूचुअल फंड दोनों ही यूज करते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज जैसे कि एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एक वाइड वेराइटी ऑफ एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जैसे कि इक्विटीज या बॉन्ड्स या कमोडिटीज जैसे कि अब इससे होता क्या है इससे होता यह है कि आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन uh, एक मैनेजर की एक्सपर्टीज भी मिल जाती है तो ये तो हो गई सारी सिमिलैरिटीज अब बात करते हैं डिफरेंसेस की सबसे बड़ा डिफरेंस जो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के अंदर आता है वो है एक्सपेंस रेशियो अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है एक्सपेंस रेशियो का मतलब वो परसेंटेज आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का जो कि डिडक्ट कर लिया जाता है एज अ फीस या कमीशन या ट्रेडिंग कॉस्ट के अंदर बेसिकली uh, जो खर्चा आपका लगता है आपको पर्टिकुलर रिटर्न या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राइट सो right? so, सबसे बड़ा फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड को माना जाता है काफ़ी एक्सपेंसिव ई के कंपैरिजन में कैसे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड जो कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है और एक बेंच को बीट करने की कोशिश करता है वो एक से लेकर 1% से लेकर 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो साथ लेकर आता है अगर बात करें ई की तो ई का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.01 से लेकर 0.03 तक की रेंज में आता है जो कि 10 गुना से ज़्यादा कम है एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से अब आपके लिए कौन सा मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सूटेबल रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करने में या फिर कोई एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड अगर आपको दे रहा है अल्फा रिटर्न्स तो उस केस में वो जो फीस है जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक तरह से जस्टिफाई हो जाता है और आप उसके साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है पैसिव इन्वेस्ट पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको अपना पैसा लगाना है तो उस केस में ई एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र आप लोगों के लिए लेकर आता है अब एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स और फंडीएफ के अंदर अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको किसी भी तरह का डी या ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी नहीं है वो आप सीधा कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है ईटीएफ के अंदर तो उसके लिए आपको एक डी और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर देन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट विद एस एस ऑनलाइन एल्फा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एडवांस एंड फीचरिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ दिस कंट्री वेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी गोवाइन चेकआउट एल्फा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नाउ बाय द वे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर uh, आप और किन टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज लेटस्ट नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग लाइक एन एल्फा